के प्रिवेंटिव हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद। आज हमारा मौजू है जो कि रेयर डिजीज़ के अंदर आता है, जिसको कि हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं, जिसके ऊपर बहुत ही कम काम हुआ है पाकिस्तान के अंदर। और इस बीमारी से मुतालिक हम कई एक सीरीज़ करेंगे, लेकिन ये आज इसका पहला सेशन है जिसके अंदर हम आपको इसकी बेसिक्स के बारे में बताएंगे, जिसमें कि इसके होने की वजूहात क्या हैं और दूसरे ये किन चीज़ों के ऊपर अफेक्ट डाल रही होती है। तो पहले इसके बेसिक्स ये है कि जो होने की वजूहात वो तीन तरह से हो सकते हैं बुनियादी तौर पे, जिसको हम कहते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि मौरूसी बीमारी की वो वजूहात जो हमारे क्रोमोसोम्स के अंदर खराबियाँ लेकर आ रही होती हैं। और दूसरे हम ये कहते हैं जिसको कि न्यू म्यूटेशन, यानी उस फैमिली के अंदर कोई उस तरह की प्रॉब्लम नहीं है कि जिसमें क्रोमोसोम्स में ख़राबी हो या जीन के अंदर ख़राबी हो, लेकिन एक नया तरीके का उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, उसकी 50 वजूहात हो सकती हैं। और तीसरी ये जो है बहुत ही स्पेसिफिक है, जिसको कि हम माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर कहते हैं। ये स्पेसिफिकली माँ की तरफ से आ रहा होता है, जो कि सिर्फ ओवरीज के अंदर ही मौजूद होते हैं। तो ये तीन तरह से इस डिज़ीज़ का होना इस बात की निशानदेही करता है कि ये सारे के सारे मौरूसी बीमारियां हैं। और मौरूसी बीमारियों की दूसरी बुनियादी वजह ये हो सकती है कि जिसके अंदर कज़न मैरिजेस या कॉन्सन्ग्युइनिटी हो। तो ये तो हो गई जो हम इसके वजूहात को डिस्कस कर रहे थे कि मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक डिसऑर्डर किस तरह से हो सकता है। सेकंड, ये किन चीज़ों के ऊपर अफेक्ट डाल सकता है। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए दो तरह से हमारी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होती है, जिसको कि एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारा एनर्जी प्रोवाइडर होता है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं, और बाकी के जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसके सपोर्टिव होते हैं, और ये एज ए को एंजाइम काम कर रहे होते हैं, जिसमें विटामिंस, इंग्रेडिएंट, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि आयरन है, जिंक है, सिलेनियम है, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जो एज ए को एंजाइम वर्क कर रही होती हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत अहम किरदार अदा करती हैं। तो आज हम इसके बारे में डिटेल नहीं जाएंगे, सिर्फ ये दो तीन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हमारी जो कैलोरी प्रोवाइडर है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट फैट्स। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं, जैसा कि आपको पता है हमारे तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसको कि हम मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। तो बाज़े औकात ये होता है कि ये सिर्फ मोनोसेक्राइड डिजीज़ होती हैं, जैसा कि ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज होता है। इसकी फॉर्मेशन के अंदर प्रॉब्लम होती है, जिसकी बिना पर ये लाइफ लॉन्ग इस प्रॉब्लम में बच्चे होते हैं। मसलन अगरचे हम 24 घंटे खाना नहीं खा रहे होते हैं, लेकिन हमारी ग्लूकोज हर लम्हा रिलीज़ हो रही होती है, जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो वो एक स्टोर हो चुकी होती है किसी दूसरे फॉर्म में, जिसको कि हम ग्लाइकोजिन कहते हैं। और इस ग्लाइकोजिन को जिस वक्त हमें ज़रूरत हो तो ये ग्लूकोज में तब्दील हो रहा होता है, लेकिन इसको तब्दील करने के लिए जिन एंजाइम की ज़रूरत होती है, अगर उसी में ख़राबी हो तो ये तब्दील नहीं होगा। तो ऐसी बीमारियों को हम ये कहते हैं कि ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ है, यानी एनर्जी हमें ना मिल रहा होगा तो उसकी बिना पे 50 किस्म के सिम्टम्स प्रेजेंट हो जाते हैं, जो कि हम बाद के सेशन में डिस्कस करेंगे। मसलन एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं गैलेक्टोसीमिया, जिसके अंदर जो है वो ग्लूकोज फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा होता है। दूसरे को हम कहते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है, जो कि लैक्टोज जो है वो हजम ही नहीं हो पा रहा है, इस बिना पे उसके एंजाइम में डिफेक्ट आ रहा है। दूसरी कैटेगरी प्रोटीन के अंदर है, जैसा कि आपको पता है कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स के ऊपर कंपोज्ड होती है,
और जो अमीनो एसिड्स के अंदर जो बीमारियां हो रही होती हैं कि वो अपने एक्टिव फॉर्म में नहीं आ रही होती हैं। और कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो एसेंशियल्स होते हैं, जो बॉडी हमारी बना नहीं पाती है लेकिन वो ज़रूरी होते हैं हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, मतलब कि फिनाइल एलानिन है। तो अगर जो फिनाइल एलानिन को बॉडी में हो तो इसको कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन में, जिसके बीच में एक एंजाइम की ज़रूरत होती है जिसको हम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज कहते हैं। अगर इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ गया हो तो उसको हम ये कहते हैं फिनाइल क्यूटोनूरिया हो गया है और इसके अंदर फिनाइल एलानिन की ज्यादती हो गई है, जो कि जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके नुकसानात करती है। इसी तरीके से फैट की बीमारी और उसके लिपिड्स की बीमारी होती है, जिसमें कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है एंड लिपिडोसे लिपिड स्टोरेज डिजीजेज है। इसकी बहुत बड़ी तादाद है जिन डिजीज के अंदर, लेकिन मुख्तसरन ये है कि इनके अंदर ये कन्वर्ट नहीं हो रहे होते हैं जो बहालत ज़रूरत जिस वक्त हमें ग्लूकोज की ज़रूरत होती है। तो अगर ग्लूकोज अदर देन कार्बोहाइड्रेट आ रही हो तो हम उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, कि यानी ग्लूकोज प्रोटीन से फॉर्म होकर आ रही है या कि लिपिड से फॉर्म होकर आ रही है, और इनमें दोनों में डिफेक्ट होते हैं। तो इस तरह की तीन बीमारियां हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर के अंदर, जो कि मेटाबॉलिक एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के अंदर होगा। हमें उम्मीद है कि आज के सेशन के अंदर आपको खातिर ख्वाह मालूमात मिली होगी, जो कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के बेसिक कॉज के और किन जगहों के ऊपर ये इफ़ेक्ट डालती है। अल्लाह हाफिज़।